हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल दुबे के इस नए वीडियो में। आज की फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट पर एक कस्टम डोमेन को कैसे सेट कर सकते हैं, जो कि आप किसी भी वेबसाइट से खरीदे हैं यानी कि परचेज किए हैं। अगर आप किसी डोमेन को तो उसे अपने वेबसाइट पर कैसे सेट किया जाता है, जो कि blogspot.com है। वहाँ पर आप अपने डोमेन को कैसे सेट कर सकते हैं, जो कि डोमेन आप GoDaddy या कहीं से भी खरीदे हैं, जैसे कि मान लीजिए .com का हो गया, कोई भी डोमेन है, अगर आप उसे सेट करना चाहते हैं अपने blogspot.com वेबसाइट पर, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम जल्दी से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे वीडियो पर ब्लॉगर से संबंधित सभी वीडियो बाय वीडियो आएंगी, यानी कि सारी चीज़ें आपको ब्लॉगर का बताया जाएगा इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो ये हमने पिछला एक वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने बताया था कि आप डोमेन को कैसे बाय कर सकते हैं, वो भी फ्री में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड मैंने करा दी है उस वीडियो का, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको आ जाना है अपने blogger.com पर। तो blogger.com पर आने के बाद अपने ID से लॉगिन कर लेना है, उसके बाद आपको सिंपली सेटिंग में जाना है। तो मैंने पहले से ही सब लॉगिन वॉगिन करके रखा है, जैसे कि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, वीडियो जितना छोटा हो सके उतना छोटा में मैं आपको बता दूँ। तो सेटिंग में आने के बाद आपको डायरेक्ट बेसिक वाला ये ओपन होगा, उसके बाद इस साइड आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, आपका जो URL है यहाँ पर दिखेगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, अभी मेरा जो URL है ये है, और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेट अप ए थर्ड पार्टी URL फॉर योर ब्लॉग। तो सिंपली आपको यहीं पर प्रेस करना है। यहाँ पर प्रेस करते ही अब आपको वो डोमेन डालना है जो कि आपने ख़रीदा है। तो मैंने सिंपली एक डोमेन ख़रीदा है, तो मैं यहाँ पर उसे इंटर कर देता हूँ। www लगाकर आपको सिंपली डोमेन को डाल देना है। तो मैं अपने डोमेन को यहाँ पर डाल देता हूँ, आप तब तक वेट कीजिए। तो सिंपली इसी डोमेन को हमने लिया है, तो इस डोमेन को आपको सिंपली इंटर कर यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली सेव कर देना है। सेव करते ही ये सेव नहीं होगा, कुछ ये वेरीफाई करने के लिए आपको मांगेगा, क्योंकि इसे ये गूगल इसलिए मांगता है कि क्योंकि इसे फिक्स करना होता है कि ये आपका ही डोमेन है या कि नहीं, तो इसको आपको वेरीफाई करना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरीफाई, तो कैसे आप वेरीफाई करेंगे वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो आपको अब क्या करना है, आपको सिंपली अपने वेबसाइट को ओपन करना है जहाँ से आपने डोमेन को ख़रीदा है। तो मैंने जहाँ से अपना डोमेन ख़रीदा है यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है, आपको भी न्यू टैब में इसे ओपन कर लेना है। आपको न्यू टैब में ओपन करना है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो सिंपली आपको ओपन करने के बाद माई डोमेन में आ जाना है, और जिस डोमेन को आपने ख़रीदा है उसके नीचे आपको मैनेज डोमेन का ऑप्शन दिखेगा। तो सभी वेबसाइट का यही प्रोसेस होता है, चाहे GoDaddy हो, चाहे FreeNom हो, चाहे जो वेबसाइट हो। तो सिंपली आपको मैनेज डोमेन का ऑप्शन दिखे ही दिखेगा, तो वहाँ पर आपको सिंपली प्रेस कर देना है। तो उसके बाद जैसे आप उस पर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा मैनेज FreeNom DNS। तो आपको दूसरे वेबसाइट में दिख सकता है मैनेज DNS या फिर मैनेज क्या नाम है मैनेज डोमेन DNS, तो इस तरह के कुछ आपको ऑप्शन दिखेंगे, तो आपको सिंपली मैनेज DNS पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर प्रेस करते ही आपके पास एक और इंटरफेस आएगा। तो अब आपको यहाँ पर रिकॉर्ड दिखेंगे, ऐड रिकॉर्ड। तो आपको सिंपली सबसे पहले डेस्कटॉप साइट में से ओपन करना है, ये ऊपर आप 3 डॉट देख रहे हैं, यहाँ पर आपको जाना है और आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर इसको आपको इनेबल कर देना है। तो अभी हमारा जो है ये कंप्यूटर की तरह बिल्कुल ओपन होगा। फिर आपको नेम में यहाँ पर क्या डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली आपको टैब पर प्रेस कर आ जाना है अपने वेबसाइट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम में आपको ये www डाल देना है सबसे पहले। तो उसको सिंपली आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है पूरा का पूरा। तो कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है अपने वेबसाइट में। तो यहाँ पर नेम में आपको इसे पेस्ट कर देना है, ध्यान से देखिएगा, यहीं पर आपको गड़बड़ी हो सकती है। और ये आप जो ये देख रहे हैं आपको सिंपली यहाँ पर प्रेस कर इसको सीनेम कर देना है, ये सीनेम आप देख सकते हैं, सिंपली आपको सीनेम पर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टारगेट में क्या डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर से आपको वहाँ पर आ जाना है, उसके बाद इसके सामने वाली चीज़ को सिंपली आपको कॉपी करना है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपली आपको इसको कॉपी कर लेना है पूरा का पूरा, ध्यान से एकदम, बिल्कुल भी एक भी वर्ड आपका छूटना नहीं चाहिए। फिर से आपको वेबसाइट में आकर टारगेट में इसे पेस्ट कर देना है। उसके बाद फिर आपको करना है ऐड मोर रिकॉर्ड, सिंपली आपको यहाँ पर प्रेस कर देना है, एक और रिकॉर्ड आपके सामने आएगा। तो एक को आपको सीनेम में फिर से कर लेना है। तो आपको नेम में क्या डालना है मैं बताता हूँ, फिर से आपको ब्लॉगर में आना है। तो आपको अब दूसरा वाला डालना है, जो आप दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं, इससे आपको सिंपली कॉपी कर लेना है।
कॉपी करने के बाद यहाँ पर नेम में आपको यही फिल कर देना है, यानी कि पेस्ट कर देना है। तो इसमें पेस्ट करने के बाद आपको टारगेट में आपको क्या करना है, दूसरा वाला आपको कॉपी करना है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको वीडियो को आप रोक कर फिर से दोबारा प्ले कर देखिएगा ध्यान से। दो तीन बार आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको टारगेट में दूसरे वाले को कॉपी करना है और सिंपली आपको यहाँ पर आकर दूसरे टारगेट में से पेस्ट कर देना है। अब इतना करने के बाद आपको फिर से एक रिकॉर्ड को ऐड करना है। इस रिकॉर्ड को ऐड करने के बाद इसको आपको ए ही रहने देना है, जो ए लिखा है आपको ए ही इसे रहने देना है। और आपको अब यहाँ पर क्या करना है, नेम में आप कुछ भी एक वर्ड डाल सकते हैं। नेम में चाहे आप txt डाल दीजिएगा। तो txt आपको डालने के बाद क्या करना है, फिर आपको आ जाना है अपने ब्लॉगर में ही। तो आप यहाँ पर देखेंगे नीचे आपको सेटिंग इंस्ट्रक्शन का एक ऑप्शन दिखेगा, ये आप सेटिंग इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर प्रेस करना है तो कुछ आईपी एड्रेसेस आपके सामने आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आईपी एड्रेस मेरे सामने जो है यहाँ पर आ गया है। तो सिंपली आपको बारी बारी से इन चारों को कॉपी करके रिकॉर्ड बनाकर ऐड करना है। तो पहला मैंने कॉपी किया और आपको फिर से वहाँ पर आना है अपने वेबसाइट में और यहाँ पर आपको टारगेट में से लाकर पेस्ट कर देना है। फिर से आपको मोर रिकॉर्ड पर क्लिक करना है, इसे ए करना है और यहाँ पर txt आपको लिखना है। तो ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा। तो अब आपको दूसरा वाला यहाँ पर लाकर पेस्ट करना होगा, जो कि दूसरा आईपी एड्रेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे आपको सिंपली कॉपी कर यहाँ पर आकर पेस्ट करना है। तो वीडियो को ध्यान से आप देख लीजिएगा। तो फिर से आपको एक और रिकॉर्ड इस तरह से ही बनाना है कि टारगेट में आपको तीसरा वाला आपकी बार कॉपी कर पेस्ट करना है। तो चार है ये, चारों को हमें इस तरह से कॉपी पेस्ट कर देना है। सॉरी, यहाँ पर तीन ये हो गया है, एक और बाकी है, तो फटाफट से मैं कर देता हूँ। तो वीडियो को आप देखिएगा पूरे ध्यान से बिना स्किप किए। और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कि आपको चौथा इस तरह से कॉपी करना है, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेज की वीडियो आपके पास लेकर आता रहता हूँ इस चैनल पर। तो आपको चौथा सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इतना करने के बाद आपको सिंपली सेव चेंजेस पर प्रेस करना है। सेव चेंजेस पर प्रेस करते ही ये जो है हमारा सेव हो जाएगा। तो हम वेट करते हैं कि ये सेव होता है क्या, इधर आता है, हम चेक कर लेते हैं। शायद ये सेव हो जाएगा क्योंकि मैंने सही सही फिल किया है, तो सेव ये ज़रूर से होगा। तो ये सेव होने में थोड़ा दिक्कत, तो आप देख सकते हैं रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली का ऑप्शन हमारे सामने आया है। तो अब आपको सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको आ जाना है अपने ब्लॉगर में। अब आपको सिंपली नीचे सेव का ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा, तो सिंपली आपको सेव करना है और हमारा जो ये डोमेन है ये जो है वेरीफाई हो जाएगा। तो हम सेव कर देखते हैं कि ये सेव होता है या फिर कोई एरर आता है। तो दोस्तों आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही मैंने सेव पर क्लिक किया, ये जो हमारा ये है जो रिडायरेक्ट हो गया, यानी कि ये सेव हो गया है, हमने सिंपली इसे वेरीफाई कर लिया है। जब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो जब आप DNS को मैनेजमेंट कर रहे होंगे तो जो वहाँ पर रिकॉर्ड्स बने रहते हैं पहले से, उनको आपको सिंपली एडिट कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली ऐड रिकॉर्ड करना है। ये नहीं कि आप जाकर वहाँ पर उन सबको एडिट करने लगें, उन सबको अगर आप एडिट करते हैं तो ये सेव नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। आपको सिंपली एडिट नहीं करना है, आपको ऐड करना है। तो मैंने जैसे ही आप देख सकते हैं ये सब मैंने किया, तो हमारा जो है वेरीफाई हो गया, यानी कि ये ऐड हो गया। तो मैं अपने ब्लॉग को अभी व्यू कर दिखाता हूँ। तो मैं व्यू ब्लॉग पर क्लिक करता हूँ, अभी ब्लॉग स्पॉट पर खुल रहा है। तो थोड़ी देर में ये ओपन होने लगेगा, अभी सिंपली ये TK पर खुल नहीं रहा है। दिस साइट कैन बी रीच्ड, तो थोड़ा टाइम लेता है ये होने में, तो आधे घंटे के अंदर ही ये हो जाता है, खुलने लगता है। तो ये अभी हो जाता है, लेकिन कभी कभी टाइम ले लेता है। तो अब देख रहे हैं हमारा जो वेबसाइट है TK में कन्वर्ट हो गया है। तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है लगता है, तो ये कुछ देर में खुलने लगेगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। हमारा जो है डोमेन ऐड हो गया है सक्सेसफुली। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको थोड़ा भी अगर नॉलेज मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपको ऐसी ही अगर वीडियो चाहिए ब्लॉगर से संबंधित, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सभी प्रकार की वीडियो देखने को मिलेगी। तो अभी तो ब्लॉगर की सीरीज चल रही है, तो ब्लॉगर के बारे में ही वीडियो आपको मिलेगी। अब अगली वीडियो में मैं आपको अपने वेबसाइट के कस्टमाइजेशन के बारे में बताऊंगा और ऐसे थीम के बारे में बताऊंगा जिसे आप पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं बिना HTML कोडिंग को एडिट किए। तो जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि मैं आगे वीडियो यही बनाने वाला हूँ।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ये जो अभी ओपन नहीं हो रहा है, ये थोड़ा देर में ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ये ओपन ज़रूर से होने लगेगा। तो मैं यहाँ पर एक बार इंटर करके फिर से चेक करता हूँ, शायद अब ये ओपन हो जाए। तो अभी ओपन नहीं हो रहा, लेकिन आधे घंटे के बाद ही ओपन होने लगेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।